चरणों में अपना सर रख के और आप सबके भी चरणों की वंदना करके, जिनसे मुझे हिम्मत मिलती है, मेरा विश्वास बढ़ता है, आप सबको प्रणाम। बड़ा ही जीवन का, आत्मा का, आत्मा की जागृति का विषय बहुत ही सुंदर है। बहुत कुछ इंसान नहीं पा लेता, लेकिन शुद्ध पा लेता है, जागृति पा लेता है, जीने का, जीवन जीने का, जन्म जीने का तरीका पा लेता है, कर्म करने का भी तरीका पा लेता है। आपकी कोशिश, आपकी लगन सफल हो, मैं प्रार्थना करता हूं अपने गुरु से, अपने परम से, आप सबको सफल करें। आज का विषय है स्वयं को जानना। आप किस प्रकार कर्म करें, अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि और अपना मन एक परिवार की भांति है। जैसे परिवार में एक पिता, जैसे संसार में परम पिता, उसी भांति आप इस शरीर में हैं। जब तक आप इस शरीर में हैं, इस शरीर एक मंदिर है। अगर मंदिर में भगवान ना रहे, इस शरीर में आप ना रहें, तो खंडर है, ये कुछ भी नहीं, ये शून्य है, ये माटी का ढेर है। इसीलिए ब्रह्म की जागृति जरूरी है इस शरीर में। दुनियादारी में जो भगवान इंसान का बनाया हुआ है, इंसानों को ही उसकी देख रेख, सुंदरता का ध्यान रखना पड़ता है, साफ सफाई का इंसान ही सहेज के रखता है। लेकिन जो सत्य है, जो सत्य है, जो शिव है, वो इस तन के, इस मंदिर के भीतर ही विराजमान है। बाहर की दुनिया में जो आप देखते हैं वो मिथ्या है, उसको जरूरत पड़ती है औरों की, लेकिन जो आपके भीतर है वो जागृत परम है, आप ब्रह्म हैं। स्वयं को जान के, स्वयं को जानना ही आपका ध्येय है, स्वयं को जानना ही आपका धर्म भी है। जब आप स्वयं कर्म करते हैं एक सुंदर पिता की भांति, जब एक बच्चा युवावस्था में होता है तो पिता की कम सुनता है, लेकिन पिता का हृदय विशाल है। अगर पिता ने आपको पिता बनाया है तो आप भी विशाल हैं। आप अपने पिता, माता, जन्मदाता और परम पिता के चरणों में अपना भाव, श्रद्धा और प्रेम रखें। आपकी कृपा से अच्छा और सुंदर जीवन दिया है। जो जीवन तो दिया परमात्मा ने, लेने वाले के ऊपर बात होती है कि वो किस प्रकार इस जन्म को निभाता है। कर्म करने में जागृत हो तो फल लेने में भी आनंद आएगा। बिना सोचे समझे कर्म करना, बिना सोचे समझे बोलना कर्म को बिगाड़ने के समान। जब आप जाग जाएंगे और सत्य की राह पे होंगे, परम की खोज पे होंगे, तो आपके आने वाली जो बच्चे हैं, जो फसल है, वो भी उसी राह पे चलेगी। एक पिता का हृदय बड़ा विशाल होता है, वो आने वाली फसल को तंदुरुस्त और खुश देखना चाहता है, लेकिन बच्चे हैं कि वो समझते हैं कि माता और पिता की
आयु के साथ उनकी बुद्धि, उनकी सोच, उनकी समझ भी धूमिल हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसी प्रकार जैसे बच्चे सोचते हैं, अपने मन की मानी करते हैं, जब उसके सामने फसल होती तो अपना ख्याल छोड़, जब उसके सामने पिता के सामने जब बच्चे होते अपना ख्याल छोड़, बच्चों की देख रेख और उनकी ही बढ़ोतरी में उसकी रुचि होती है। लेकिन जो माँ बाप सत्य की राह पे हैं, उनके बच्चे भी सत्य की राह पे होते हैं। आज का विषय मन और बुद्धि को आप कैसे संभालें। आप अपने बच्चों पे लगाम लगाएंगे, आप अपने बच्चों को क्रोध के अधीन करेंगे तो नहीं मानेंगे, ना वो समझेंगे। लेकिन आप सत्य की राह देते रहें तो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन वो उस राह को पकड़ ही लेंगे। यही आपकी बुद्धि का काम है। जब आप जान के, हर एक को पता है, चाहे वो सोया हुआ है चाहे जागृत है, आत्मा कभी भी गलत नहीं कर सकती, ब्रह्म कभी भी गलत नहीं कर सकता। ब्रह्म अंश परम का है, पर ब्रह्म का है। गुरु की वंदना भी इसी प्रकार होती है। गुरु मार्गदर्शक है, आप भी मार्गदर्शक हैं। इस तन के भीतर बुद्धि, इंद्रियां व मन के आप मार्गदर्शक हैं। गुरु भी स्वयं का मार्गदर्शक है। गुरु सानिध्य बड़ा सुंदर है। जिसने गुरु की शरण ली है, जिसके मन में, जिसके हृदय में गुरु बस गए हैं, तो परम खोजने की आवश्यकता नहीं, परम स्वयं ही उसको भीतर मिल जाएगा। आपकी बुद्धि भटकती है इंद्रियों की तृष्णा शांत करने के लिए, उसका कोई और विषय नहीं। स्वाद, छोटे स्वाद, किसी कोई भोजन का स्वाद है, स्वाद में फिरते हैं। लेकिन जहां परम साक्षी होता है, जहां ब्रह्म साक्षी होता है, तो वो भोजन नहीं प्रसाद बनता है। और भाव आपके भीतर है, आपने भाव दिया अपने भोजन को, तो वो आपके भीतर गुणों को भरता है, स्वस्थ स्वास्थ्य को भरता है। इसी प्रकार हर कर्म है, इंद्रियों के अधीन ना हो, लेकिन उनको राह देना आपका काम है। आप उन पे अंकुश नहीं लगा सकते। अंकुश लगाने से वो सही राह पे नहीं हो सकते। हट उनका, उनकी आदत है। हट एक बच्चे की भी आदत है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती कठोर हृदय बन के नहीं आप उसका पोषण कर सकते। उसी प्रकार मन है, मन भी बुद्धि के जैसे तृष्णा और वासनाओं में भटकता रहता है। बेकार गलत चीजों में उसकी आसक्ति होती है, आप उसको भी सही राह दे सकते हैं। एक सुंदर स्वाद के की राह आपको दे सकते हैं। उसमें रस नहीं, इसमें रस है। जो ना माने वो भटकता है, बिना रस का स्वाद लेता है। लेकिन जो सही राह पे होता है, सत्य की राह है, सत्य का जिसको पता लग जाए, सत्य का स्वाद जिसको लग जाए, वो उसी राह में। दुनियादारी भटकती रहती है, जागने की बजाय नशे के आदि होके और बेसुधि में बेहोश होना वो पसंद करते हैं। लेकिन आप सभ्य हैं, आप सत्य हैं। अपने मन को सही राह दें। कोई कहता है मेरे बस में नहीं, किसी का मन लगता नहीं। यहां भी जो विराजमान है वो संग संग चले सफर में, ध्यान दें क्या करना है, और ऐसा आप कर सकते हैं। और यही सत्य है, यही आपको करना है कि स्वयं आप सोच समझ के करेंगे। आत्मा के आप ब्रह्म हैं। आपकी जिस दिन ये बुद्धि, ये मन, ये इंद्रियां मानना शुरू कर देंगे, तो गलत राह नहीं होगी, आपको बड़ा आनंद और खुशी होगी। गुरु को आप बार बार धन्यवाद देंगे। गुरु मार्गदर्शक है। आप भी ना समझेंगे, आप भी उलझेंगे, आप भी निर्णय ना ले पाएंगे, इसीलिए गुरु है। आप गुरु की शरण में जाएं। जो बच्चा हर कर्म
सोच और समझ के करता है, आत्मा से करता है, आत्मीयता से करता है, वो सफल होता है। अगर वो कहीं उसको कोई दुविधा होती है तो अपने पिता के शरण में जाने से, अपने पिता के शरण में जाने से उसको सही राह सही मार्ग मिलता है, क्योंकि एक पिता ही है, क्योंकि एक परम पिता ही है जो उसको सही राह दे सकता है। आप भी कभी भटकें तो अपने पिता, अपने गुरु जो पिता के समान है, जो पिता ही है, पिता से बढ़ के है, जो आपको जीवन जीना सिखाता है, जो आपको ज्ञान देता है, एक अच्छी दीक्षा, एक अच्छी शिक्षा देता है, जो अपना हाथ आपके हाथों में और आपका हाथ पकड़ लेता है, जो जीवन भर नहीं छोड़ता, रूठ जाए दुनियादारी सब कुछ, लेकिन माँ बाप के चरणों में आसक्ति होनी जरूरी है, गुरु के चरणों में आसक्ति होनी जरूरी है, तो फिर आपका आप निर्भय हैं और आप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप तन से, मन से और एक सुंदर सत्य के धन से परिपूर्ण होंगे। आपको खुद जानना है, खुद समझना है। जब आप देखेंगे, दूर से बैठ के देखते रहते हैं, हर माता पिता को पता होता है कि उसके बच्चे किस राह पे हैं, आपको भी पता है आपकी बुद्धि किस राह पे है, आपको भी पता होता है कि आपका मन किस राह पे है, लेकिन आपका जबरदस्ती आप ना मन के साथ कर सकते, ना बुद्धि के साथ कर सकते। मन और बुद्धि उसी भांति है, बुद्धि तो उसी भांति है कि आपने किसी चलते हुए सांप को छेड़ दिया, वो आपको ही दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन उसको सहज सत्य की राह पे उसको पता लग जाए, समझ आ जाए कि ये छोटा स्वाद है, इस स्वाद से कुछ बिगड़ेगा। आप तीखा खाते हैं, आप बहुत मसालेदार खाते हैं, लेकिन कुछ देर जीभ का स्वाद आदत है शीशी करने की, लेकिन भीतर का कितना नुकसान होगा वो आपको पता नहीं। स्वाद सहज हो, शांत हो, लेकिन एक अपने स्वाद के चक्कर में, जीभ के स्वाद के चक्कर में पूरे शरीर का अगर नुकसान हो तो वो नहीं करना चाहिए। उस इंद्रिय को पता होना चाहिए कि गलत खान और पान से कितना नुकसान हो, वो आपका देह धर्म मान ले कि भीतर मुझे अपने स्वाद की जरूरत नहीं, मैं स्वाद में पड़ के मैं भीतर का बहुत अधिक नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जब तक आप समझेंगे, आप कहेंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं कि भीतर का बहुत नुकसान है तेरे स्वाद के चक्कर में, तू सहज हो जा, तू मान जा। आप धीरे से बताएंगे, जबरदस्ती ना करेंगे तो वो मान ही जाएगा। हर इंद्रिय इसी प्रकार मानती है, मानेगी, वो आपके प्रति श्रद्धा से भर जाए, भाव से भर जाए। अब देखें, फिर एक भी विचार इस बुद्धि का गलत नहीं होता, एक भी निर्णय गलत नहीं होता, इसमें सुंदर आप इसको भगवान के चरणों में बिठाएं, दिखाएं कि भगवान क्या है। भगवान का नाम अगर हम जपेंगे, बुद्धि में उसके नाम की चर्चा होगी, तो भाव से पार होंगे, सब कुछ सदा हुआ, इससे ब्रह्म की भी बड़ाई हो, इससे ब्रह्म को भी मान मिले, पर ब्रह्म की भी भक्ति हो। अब भक्ति करना चाहते हो, भक्ति पहले शुरुआत होती है, परम तत्व आप तब पहुंचते हैं जब आपकी बुद्धि आप सज जाए और बुद्धि आपकी भक्ति करने लग जाए। मन एक अनाड़ी अड़ियल घोड़ा है, जिसको काबू करना, जिसके नकेल लगानी, जिसको लगाम लगानी बड़ी कठिन है, लेकिन आप सहज होके, शांत होके आप मन को भी काबू कर सकते हैं, उस मन को भी उस परम के लिए लगा सकते हैं। परम चाहिए मुझे, सुंदर काम में लग जाए, बहुत सुंदर भाव में भर के आपके लिए, और वो सब काम करे जो आपकी इच्छा है, जो आपकी चाहत है। आपकी चाहत सत्य की राह है, सत्य की राह ही आप सबको देंगे। वो बालक धीरे धीरे उस पिता की गरिमा को समझेगा, पिता की शरण में रहेगा, दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ेगा, तो वो सत्य के मार्ग पे चलेगा निश्चित। आप भी अपने माता पिता, जिसके माता पिता हैं या नहीं हैं, अपने माता पिता के चरणों की वंदना बेहद जरूरी है, उनका आशीष लेना जरूरी है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है।
उसके बाद गुरु, गुरु के प्रति भी आप धर्म से, ध्येय से, एक विश्वास से, एक प्रेम से भर जाएं। आपके भीतर वो सामग्री है, बस आपके देखने की आवश्यकता है जो आपके राह को सुंदर बना दे। फिर भय नहीं, कुछ भी बिगड़े भय नहीं, आप भयभीत ना होंगे। आपको बिगाड़ रही बुद्धि विचित्र भांति भांति के विचार ला के आपको भयभीत करती है और आपको गलत साबित करती है। एक आत्मा को, एक ब्रह्म को, एक स्वयं को, एक मालिक को जो मंदिर में बैठा है, शिकायतें करती रहती है। ये उसी भगत की भांति है कि जो इच्छाओं से ग्रसित है और इच्छाएं पूरी ना होने पर अपने भगवान को दोष देता रहता है। उसकी समझ में नहीं आती, लेकिन सहज भगवान भी यही करते हैं, सहज समझाते हैं, धैर्य रखने की सलाह देते हैं। धैर्य रख, सब होगा, अच्छा होगा, लेकिन तेरी इच्छाएं गलत है, आगे जाके ये तुझे ही जाल में बांध देंगे, उलझा देंगे। गलत राह पे चलने से इंसान भटक जाता है और सत्य के मार्ग से दूर हो जाता है। इसीलिए जिद ना करें, किसी को रोके ना, ना बुद्धि को, ना अपने पुत्र को, लेकिन सत्य की राह पे चल के उस पर दृष्टि रखनी जरूरी है। धीरे धीरे बुराई घटेगी, अच्छाई और सच्चाई बढ़ेगी। एक माता ने अपने पति को फोन किया, हमारा बालक खोया हुआ है, कहीं चला गया है, आज सुबह से वो मुझे दिखा नहीं। पिता आया, पिता सभ्य था, समझता था। पिता ने पत्नी से पूछा कि कहीं जाने के लिए बोला था उसने? हाँ बोला था, बेटा कहता था मैं झरने पे जाऊंगा, तुमने क्या कहा? मैंने मना किया और बड़ी सख्त हिदायत दी, झरने पे नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। पिता ने कहा कि चलो देखते हैं कि कहाँ ढूंढे, कहाँ खोजे, जिसको जहां मना किया था वो वहीं गया होगा। ये आदत है, ये आदत है कि जहां सत्य मना करे, जहां पिता मना करे, वहीं जहां आत्मा मना करे वहीं काम करना बुद्धि की, मन की और एक बच्चे की आदत है। दोनों चल पड़े, जाके देखा तो वो झरने पे ही मिला। बागी तेवर रहते हैं, बुद्धि के भी, मन के भी और एक बच्चे के भी। ले आया, लेकिन सहज भाव से उसको विषय बताने चाहिए कि यहां जाने से अच्छाई है और यहां जाने से बुराई है। वो समझे, उसकी समझ में आए। उसी भांति उदाहरण साधु संत, गुरु, ऋषि और मुनियों ने बहुत दिए हैं और आपके जीवन में आप खोजें तो बहुत उदाहरण हैं, लेकिन अक्सर हम अनुसरण नहीं कर पाते, अपने जीवन में, अपने इस जन्म में नहीं उतर पाते। जिस दिन आपकी चलने लग जाएगी, सत्य की राह सबको मिलने लग जाएगी, आपके गुरु की शरण आपको सत्य की राह दिखाएगी, सही क्या है, गलत क्या है, भजना क्या है, छोड़ना क्या है, हर चीज का भान आपको होगा। गुरु चरणों की वंदना करने से, गुरु स्वयं का नाम नहीं देता, गुरु, सच्चा गुरु हमेशा आपको उस परम पिता का ही नाम देता है और बताता भी है गुरु कि ये सबका पिता है, मेरा भी पिता है, ये राह बड़ी सुंदर है, उस राह पे चल के आप अपने जन्म को सफल कर सकते हैं। अगर वो नाम ना मिला, वो नाम ना मिला तो आपके, आपको नैया नहीं मिली। यूं तो सफर सब करते हैं, किसी को किसी प्रकार पे मान है, किसी को किसी प्रकार अभिमान है, लेकिन ये राह सुलभ और अच्छी भी है। नैया मिले, पतवार मिले,
आप उतर जाएं, भव से पार हो जाएंगे। सहारा है नाम का, ध्यान है, धर्म है आपका, आपके संग। अब जिस भी कार्य को बड़े ध्यान से करेंगे, स्वयं पे भी ध्यान देंगे, आप सबको इन सब बातों का पता है। आप सुनते हैं हर साधु संत ऋषि मुनि की वाणी तथा कहानियां सुनते हैं, आपको पता है ये सब जो आप सुनते हैं, आपके कान सुनते हैं, आपके भीतर से गवाही आती है, ये सत्य है, ये मुझे पता है। लेकिन वो सत्य थोड़ी देर के बाद धूमिल हो जाता है। आप अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने भाव, अपने स्वभाव में उसको शामिल नहीं करते। आप भीतर में झांकते नहीं, आपके भीतर अथाह प्रेम है, लेकिन किसी ने कड़वे शब्द बोल दिए, वो चुभ ऐसे चुभेंगे जैसे तीर। उस तीर का घाव भर सकता है, लेकिन शब्द का घाव आपका भरने का नाम नहीं लेता। आप रोज उसको कुरेदते रहते हैं और उसमें से रोज जो रक्त वो बहता रहता है और आप पीड़ित रहते हैं। दुनियादारी के अथाह अनेकों शब्द आपके भीतर चुभे बैठे हैं, लगे बैठे हैं, और रोज आपको आप उनको उसी भांति जैसे एक पेड़ को जल देके उसको बड़ा किया जाता है, उसी भांति आप उसको कुरेद कुरेद के गहरा करते हैं। उन शब्दों से स्वयं को बचाइए, भीतर जाने से रोकिए। आप अपना भाव, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम रखिए। जो कोई करेगा वो अपने लिए, लेकिन आत्मा तक कोई चीज नहीं पहुंचती। लेकिन अभिमानी बुद्धि, अभिमानी मन, जख्मी स्वयं है, लेकिन सजा आपसे आपसे दिलवाते हैं, आपको भी उसी भांति उसके प्रति भड़काते हैं। सब कुछ भड़कता है और एक अथाह द्वंद भीतर प्रकट होता है। कुछ भी करने में आपको तैयार किया जाता है, लेकिन सत्य आप हैं, ये बुद्धि और ये मन जान ले। उस द्वंद तो हो, जोश तो हो, होश तो हो, लेकिन परम के लिए, सत्य के लिए। अड़िग तो हो जाए, अभिमान तो हो जाए, लेकिन सही के लिए। कोई भी चीज वही बुद्धि है, सद जाए तो सुंदर है, ना सदे तो दुष्ट है। लगे पिता के सानिध्य में एक बच्चा काम करता है, देखना पिता, पिता गलत नहीं होने देता, पिता उसको हर प्रकार से समझाता भी है, ये सही है, ये गलत है, सही किस प्रकार है और ये गलत किस प्रकार है, हर परिभाषा उसको समझाता और सिखाता है। लेकिन वो सीखने का नाम ही नहीं। वो कहता पिता को क्या पता, वो कहता पिता को क्या पता। लेकिन जब उलझता है, जब दुख से भरा रहता है, तब पिता के पास आता है और पिता के भीतर ये भाव रहता, मैंने समझाया था, माना नहीं, अब क्यों समझाऊं, अब दुख होके आया है। लेकिन एक पिता का धर्म है कि वो जिस स्थिति में भी आए, उस स्थिति में उसको राह दे सत्य की। परमपिता तो ऐसा ही करता है, गुरु भी ऐसा ही करता है, लेकिन इस देह में आने के बाद ये बुद्धि प्रबल होती है। जिसकी बुद्धि प्रबल है, वो जो बुद्धि करती आई उसी को सही मानती है। आपके भीतर अनेकों खदाने हैं, आपके भीतर अनेकों खदाने हैं गुणों की, ग्रंथों की, अनुभवों की, लेकिन समय पे वो मिल जाए अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि सब खाली रखें, बस परम को संग रखें, गुरु को संग रखें। गुरु है तो परम भी है, आप हैं तो गुरु भी हैं, और गुरु है तो परम भी हैं। अगर आप हैं तो आपके भीतर गुरु भी हैं, गुरु है तो गुरु के भीतर परम भी है, क्योंकि गुरु बैठे ही बताएगा ये परम है। किसी ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद से कौन मिलाएगा, गुरु। इस दुनियादारी में अच्छी शिक्षा कौन देगा, माता पिता। शरण दोनों की चाहिए, जरूरी है। जिसने अपने माता पिता को भज लिया, मान लिया, शरण की ले ली, तो परम की शरण भी अवश्य मिलेगी, क्योंकि प्रथम गुरु तो माता पिता है, जो चलना सिखाते हैं, जो बोलना सिखाते हैं, जिनकी इच्छा हमेशा रहती है कि उसका पुत्र चिरंजीवी रहे, यशस्वी रहे, सफल रहे,
एक माता पिता की इच्छा होती है, वही गुरु की भी इच्छा होती है। जब आप आगे बढ़ते हैं, गुरु भी कहता है तो मुझसे आगे जाए, मेरा नाम बढ़ाए, मेरा मान बढ़ाए। उनको लोभ होता है, इसीलिए वो सब कुछ अपना दे देते हैं। कुछ तो आत्मा के पास स्वयं होता है और कुछ गुरु होता है, इसीलिए बढ़ोतरी करता है, वो मार्ग देता है कि मुझे इस मार्ग में बड़ा आनंद आता है, आया भी है। देखे चक्कर में जिसके शरीर में कोई रोग दोष है, तो आप ही उत्तरदायी हैं उसको ठीक करने के लिए। अगर कोई रोग दोष है उसको बढ़ाने के लिए, शायद आपका ध्यान हो किसी दर्द पे, किसी मर्ज पे, आपका ध्यान होते ही वो फुर होना शुरू हो जाएगा। जहां सत्य है वहां झूठ और बुराई नहीं टिकेगी, जहां हिम्मत है वहां हार नहीं होगी, ये सब आपको पता है। लेकिन फिर भी हिम्मत कम रखते हैं और भय अधिक रखते हैं। अपने भय को रहित कीजिए अपनी दिनचर्या से, अपनी सोच और समझ से। उस मृत्यु का भय छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मरने वाले नहीं। अगर आपने स्वयं को जान लिया तो आप मरने वाले नहीं, अगर आपने स्वयं को जान लिया तो आप मरने वाले नहीं। आप मरते नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। ज्ञान गीता स्वयं नारायण का अवतार है। जिसने जाना, जिसने समझा, ना आत्मा मरती है, ना उसको कोई मार सकता है, ना जलती है, ना उसको जला सकता है, ना वो कटती है, ना कोई उसको काट सकता है। वो जल में भी ज्योति जगी रहती है, वो जल में भी ज्योति जगी रहती है। एक आत्मा, एक ब्रह्म जो आप हैं, वो सदा प्रकाशमान रहती है। लेकिन उसके चारों तरफ लगे हुए गलत ढंग के आवरण ढके हुए हैं। आप उन आवरणों को हटा दें, तेज आंधी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब बाहर का बिगड़ेगा, बाहर आपने कोई ज्योति जगाई, तेज हवा का झोंका है, वो बुझ जाएगी, लेकिन आप नहीं बुझ सकते। आप स्वयं महान हैं, आप स्वयं महान हैं, लेकिन आपका भी देह है, आपका भी सफर है, ये जान लें। आप सफर जब शुरू कर पाएंगे, जब आप अपने पांव की बेड़ियों को, अपने हाथों को स्वतंत्र कर पाएंगे। बेड़ियां आपकी कौन डालता है? आपका मन है, आपकी बुद्धि है। आप सफर पे चलते हैं, किसी भी सफर पे चलते हैं, आपकी बुद्धि कहेगी इस बात का अंदेशा है, डर भी और भय भी है, दर्द भी है, परेशानी भी है, मन अच्छा नहीं। आपको रोकने की चेष्टा होती है, लेकिन बुद्धि जिस सफर में आपके संग है, जिस तीर्थ का, जिस भगवान का सफर, जिस देव का सफर, जिस शुभ कर्म का सफर आप करते हैं, उसमें आपकी बुद्धि सहमत हो जाए, भाव से भर जाए, तो आपके भीतर एक उत्सव का सृजन होता है। ऐसा उत्सव जो पहले आपने कभी ना देखा, ना कभी सुना। उसी भांति आपका मन सज जाए, आपकी मान ले, सहमत हो जाए, सफर करना है, उत्तेजित हो जाए, जोश भर ले, होश भर ले, तो समझिए वो परम के सिवा आप कुछ देख ना पाएंगे। उसमें इतनी सुंदरता होगी, वो इतने अच्छे होंगे कि आप उस अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे कि जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा आनंद और किसी चीज की इच्छा आपकी नहीं रहेगी, ना कोई तृष्णा रहेगी, इस देह को छोड़ने की इच्छा रहेगी, लेकिन तृप्ति आपके संगी, आपके साथी जब सहमत हो जाएं, तब होगी। आप एक ऐसे प्रकाशमान दीपक हैं जो सबको उजाला दे सकते हैं, जो सारी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। आपके भीतर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है
के एक नहीं हजारों समुद्र का जल और आपके वो भी सुंदर हो जाए, सारा वातावरण, सारा आकाश फूलों से भर जाए, हर तत्व का आपको ज्ञान हो, हर तत्व का ज्ञान हो, हर बुराई को आप नकार सकते हैं, कहीं भी कोने कोने में अंधेरा नहीं बचे, इतना प्रकाश आपके भीतर है। ये प्रकाश बढ़ सकता है, एक चाहत है, आपकी बुद्धि का ध्येय हो जाए, इंद्रियों का ध्येय हो जाए, बुद्धि का मानना, इंद्रियां सज जाए, छोटे स्वाद के चक्कर में ना रहे, बड़ा स्वाद जो परम का है, जो आनंद है, लेकिन हाँ कुछ तो होता है, शुरुआत तो आपको करनी होगी, लेकिन शुरुआत से ही आप डरते हैं, वो शुरुआत सही नहीं होती। शुरुआत ऐसे ही होती है सहज और शांति से, शांति कैसे मिलती है, शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है किसी किसी को, लेकिन जिसका गुरु पे पूर्ण विश्वास है, जिसका परम पे पूर्ण विश्वास है, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं तो जो शुरुआत में जो कम विश्वास के आदमी हैं उनको नुकसान भी हो सकता है, जैसे गर्म तवे पे जल की बूंद कैसे कूदती है, उछलती है, उसी भांति नहीं चाहिए भागने की चेष्टा, वापस हटने की चेष्टा। जिसने स्वयं को स्वाह कर दिया वो सहज शुद्ध भी हो और सामने वाले को भी शीतल करते, लेकिन स्वाह होना हम नहीं चाहते। इस देह से बड़ा प्यार है, इस देह से बड़ा प्यार है, इंद्रियों से बड़ा प्यार है, स्वादों से बड़ा प्यार है, लेकिन असली स्वाद के चक्कर में आप नहीं बढ़े हैं। आपका ध्येय और धर्म है असली स्वाद, असली स्वाद है परम का स्वाद, और परम तक पहुंचने की विधि गुरु शरण है। जिसने गुरु शरण ली है भय नहीं है, ये भी आप समझे। आपके भीतर भय है तो आपके भीतर परम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया फिर भी मुझे दुख भोगने पड़ते हैं, वो तो अपने आप को ही बुराइयों से घेर लेते हैं, वो तो अपने आप का निर्णय खुद कर लेते हैं, लेकिन सत्य को जाने बिना, सत्य को जाने बिना। जब आप एकांत में अकेले में भी उस प्रभु की को सहज देख पाए, आपका तीसरा नेत्र खुल जाए, आप और वो दो ना हो एक हो जाए, तब आनंद है। उसकी चाहत हो आपको कर्म करते समय भी और विश्राम में भी, भजन में भी उसकी लगन हो, उसके सिवा कुछ नजर ना आए, वो सत्य है, वो सत्य है। आपको चेताएगा, आपको बताएगा किस राह पे चलना है, आपको बताएगा, क्योंकि बुद्धि और मन अगर अकेला चाहे तो नहीं पहुंच सकते वहां पे, लेकिन आपका सानिध्य मिले, एक परम, एक ब्रह्म का सानिध्य मिले तो बुद्धि और मन भी चेतना से भर जाएंगे, और यहीं से आपका सफर शुरू होगा। आप सहज हो जाएं और आपके भीतर प्रेम जाग जाए, हर पेड़ पक्षी हर जीव आपको प्यारा लगना लगे, कोई गलत करता है, किसी का स्वभाव गलत है, वो भी प्यारा लगे, क्योंकि आप उस आत्मा है, आत्मा से संबंधित, आत्मा से ही संबंध रखेगी, उसकी बुद्धि से नहीं। उसकी बुद्धि अगर गलत चलेगी तो आप भरेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी बुद्धि को अपने मन को सहेज के रखें। जो इस बात की जागता है अच्छी बात है, जिसके भीतर से शिकायत खत्म हो गई, समझो वो विश्वास से भर गया, जो विश्वास से भर गया उसके भीतर शिकायतें नहीं रहेंगी, ये सत्य है। जिसके भीतर सत्य प्रवेश कर गया उसके भीतर से अपने आप चमक, एक विश्वास, वो अपने आप को एक गौरवान महसूस करेगा,
वो गौरव से भर जाएगा, एक प्रकार से उसको जीवन जीने का आनंद पता लगेगा। खुद को समझने के लिए, समर्पित करने के लिए हर एक बुद्धि हर एक मन भांति भांति से परीक्षण करते हैं। ऐसे कम ही लोग हैं जो सहज विश्वास कर लें, अपने घर में पुत्र वधु लानी है, एक आदमी देखने जाएगा, दो जाएंगे, मन से मन ना मिले उसमें दोष खोजे जाएंगे, उसमें अच्छाई भी खोजी जाएंगी, अगर प्यारा लगे तो उसमें दोष नजर नहीं आएंगे, फिर अच्छाई ही नजर आएगी। जिसको माँ बाप को अपने बालक से प्रेम है वो सत्य से दूर है, लेकिन प्रेम भी स्वार्थ का है, ये बड़ा होके मेरा सहारा बने, मेरा नाम बढ़ाए, मेरा मान बढ़ाए, दुनियादारी जय जयकार करे और लोग कहें फलाने का पुत्र है। ये स्वार्थ है, लेकिन जब आप सत्य को जान लेंगे, परम को जान लेंगे, फिर इन स्वार्थ से दूर रहेंगे, स्वार्थ नहीं रखेंगे। एक ही राह है, ठीक है, तेरा रास्ता अलग है, मर्जी तेरी है, अगर मेरे राह पे चले तो ठीक, लेकिन मजे की बात है तो अपने राह से अपने राह खोज, अपने अपने रास्ते से चल, पहुंचना तूने भी वही है, पहुंचना मैंने भी वही है, सफर तेरा भी वही है, मेरा भी वही है, लेकिन सत्य के साथ चलना है मजा है, असत्य के साथ चलने में उतना आनंद नहीं। सत्य की एक प्रकार की असत्य की बेड़ी है, सत्य है, स्वतंत्र है। ऊंचा कौन बोलता है? सत्य बोलने वाला बहुत सहज रहता है, बहुत ही शांत रहता है, उसको पता है कि सत्य है हर पल उजाला देगा और इसके उजाले में बढ़ोतरी भी होगी। जोर लगाने की आवश्यकता नहीं, शोर मचाने की आवश्यकता नहीं, शोर मचाता है झूठ। दो पक्ष हैं, सत्य असत्य। जो झूठा होगा वो शोर भी मचाएगा, ललकारेगा भी, लेकिन सत्य कभी ललकारेगा नहीं। सत्य तो सत्य है, कभी मर ही नहीं सकता, कभी खत्म ही नहीं हो सकता, लेकिन झूठ और बुराई उस सत्य पे लेप चढ़ाते हैं, अपनी जीत का जश्न मनाते हैं पहले ही, और एक नहीं अनेकों बार शब्दों के बाण भांति भांति के प्रहार करता रहता है, लेकिन सत्य को कोई मार नहीं सकता। ना सत्य मरता है, कुछ देर के लिए धूमिल हो सकता है धुंध के समय में, लेकिन एक ना एक दिन झूठ और बुराई को हारना ही होता है। आपके गुरु की कृपा से, परम की कृपा से आपको वो राह मिल जाए, लेकिन इसमें आपकी परीक्षाएं बहुत होंगी, इसमें आपकी परीक्षाएं होनी बहुत हैं। चलने वाले को, जिसने ठान लिया, जो संकल्पित है, जिसने जो दृढ़ निश्चय किए हुए हैं, उसको कोई अड़चन नहीं, जिसने करना है उसके लिए अड़चन है। वो आगे बढ़ेगा सत्य की राह पे, लेकिन झूठ बुराई दुनियादारी के प्रलोभन उसको पीछे धक्का देंगे, लेकिन उनको नकार के जो आगे बढ़ जाता है, जो त्याग और बलिदान कर जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। जो दृढ़ संकल्प करते हैं, जिसकी पूंजी वही है सत्य, जैसे एक प्रकाश अंधेरे को भगा देता है, उसके पास से बुराइयां झूठ अपने आप हट जाते हैं।
उसको राह देते चले जाते हैं अपने मन अपनी बुद्धि अपने मन अपनी बुद्धि को सहजते हुए जीवन की इस जन्म की दिनचर्या अपना माहौल सुंदर बनाते हुए एक ज्योति से सारा प्रकाश भरते हुए आपके हाथ की बात है। श्रद्धा भाव और प्रेम, श्रद्धा भाव और प्रेम और निस्वार्थ प्रेम धैर्य भी रखें, हो जाएगा। एक पल में कोई आकाश में नहीं पहुंच सकता, अभ्यास के द्वारा आप परम को पा सकते हैं। अनुभवों के द्वारा, एक तो बुद्धि का अनुभव हो जो बाहर की दुनिया में काम आए, एक आपका अनुभव है, आपके पास आने का अनुभव है, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, आत्मा पूर्ण ज्ञानी है। जब आत्मा जाग जाए, ये बुद्धि और मन आत्मा सुनने लग जाए तो दुनिया जानती है, दुनिया मानती है, वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ है, वो मान को उपलब्ध हुआ है। नकारना किसी भी चीज को नहीं, लेकिन उसका भाव बदल देना है। जिसका तीखा स्वभाव है, तीखे के चक्कर में छोड़ के उसका स्वभाव सुंदर बना देना है। अब बनाने वाले हैं, जब आप बनाएंगे तो आपके मार्ग बड़े सुगम होंगे, बड़े आनंद से भर जाएंगे। दुनियादारी में घूमते हैं फिरते हैं, बाग बगीचे में फिरते हैं, जिस बाग में जिस बगिया में माली होता है वो बगिया सदा हरी भरी रहती है, सुंदर फूल भी खिलते हैं, सुंदर फल भी लगते हैं, और उस बगिया को देखने वाले कहते हैं वाह। लेकिन जिस बगिया में माली नहीं, उस बगिया का क्या हाल होता है? प्रकृति भी, प्रकृति तो अपना काम करती है, लेकिन दुनियादारी स्वार्थी लोग उसको उजाड़ देते हैं। आप इस जन्म का, अपने जन्म का ध्यान रखें। ये आपकी बगिया है, आपके कर्म, आपके धर्म, आपके गुण फल हैं, आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, आपका श्रद्धा प्रेम महक है, और उस महक को आप जाने ना दें। बेकारी की महक के चक्कर में ना रहें, झूठी बड़ाई के चक्कर में नहीं। अगर कोई सत्य करता है तो वो परम को श्रेय देगा। अगर जो स्वयं को जान लेता है वो परम को श्रेय देगा। एक सच्चा अगर पुत्र है, समझ लिया, वो अपने माँ बाप को श्रेय देगा, ये मेरे माँ बाप के कारण। उस स्वयं का नाम कभी नहीं रखेगा, इसी में उसकी बड़ाई है, इसी में उसकी बढ़ोतरी है। जो अपने माँ बाप को श्रेय देगा वो बढ़ता रहेगा। जो ज्ञानी पुरुष, जो भक्त अपने गुरु को श्रेय देगा वो बढ़ता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि परम उसके लिए, बच्चे के लिए उसका माता पिता ही परम है, एक शिष्य के लिए उसके गुरु ही परम है। तो परम तो मिल ही जाएगा, लेकिन श्रेय स्वयं को दे ये अच्छा नहीं। आपकी बुद्धि ब्रह्म को श्रेय दे, मन भी ब्रह्म को श्रेय दे, और ब्रह्म पर ब्रह्म को श्रेय दे, तभी आनंद की उपलब्धि होती है, और ऐसा होना भी चाहिए। आप सदैव हुए हैं समझदार हैं, सुनते सबकी हैं, लेकिन आपको वो मिलता कभी भी नहीं। सुनते हैं, भीतर ढेर लगा हुआ है, लेकिन इस्तेमाल कभी नहीं किया। अपने आचरण में, अपने स्वभाव में आपने उसको कभी देखा नहीं। लेकिन जितने सहज और शांत होंगे, जब जरूरत हो भीतर से निकालें, दूसरों के अनुभवों की जरूरत नहीं। दूसरों के अनुभव उनके अनुभव हैं, आपके नहीं। आपके अनुभव जो आपके भीतर देखेंगे तब आपके अनुभव आपको पता लगेगा। आपके अनुभव आपके भीतर हैं, आपको पता लगेगा। मुझे बाहर वालों की जरूरत नहीं, बाहर जो सामग्री है, सामान है, मेरे भीतर उससे भी अपार है, मेरे भीतर उससे भी अपार है, अपार साम्राज्य है कि मालिक आप हैं। भीतर ब्रह्मांड है,
एक नहीं अनेकों भाग जो सूर्य है। चलो इस दुनियादारी में अच्छी बात है, लेकिन आपके भीतर बड़ा सूर्य, बड़ा सुंदर सूर्य प्रकाशमान है, जिसकी अनेकों प्रकार की तरंगे और प्रकाश है, अनेकों रंग के। लेकिन आप जब श्रद्धा और भाव से भर जाएंगे, अपनेपन से भर जाएंगे, तो सूर्य लगे कहें कि आप मेरा, ऐसा लगता है जैसे अपनापन, जिसे एक दूसरे को समर्पित करते हुए। उसी भांति चांद तारे प्रकाशमान, ऐसा लगे कि उनकी चांदनी आपके लिए है और आप उनके लिए। ऐसा ही गुरु के प्रति, गुरु मेरा है, जो आपके भीतर है वो आपका है, जो गुरु आपके भीतर बस जाए वो आपका है, जो ना भीतर बसे वो आपका नहीं। वो देह में गुरु कोई और है, लेकिन आपके भीतर बसा हुआ गुरु, जिसको आप भीतर देख पाए तीसरे नेत्र से, जिसको समझ पाए, जिससे बात कर पाए कि वो गुरु इस दुनिया में है या नहीं, लेकिन फिर भी आपको हर बात से अलंकृत करता रहेगा। ये सत्य है। आप अपने शरीर के प्रति, पांच तत्वों के प्रति भाव से भरें, अपने गुरु की चरणों की वंदना करें, भाव से भरें। आप स्वयं, अगर आपकी ये बाहर की आंखें बंद कर लें, जो शुरुआती हैं वो देख सकते हैं, लेकिन अपना तीसरा नेत्र खोल के रखें। ये बाहर की आंखें इस दुनियादारी को देखेंगी, बाहर के कर्म को देखेंगे, जो मिथ्या है उससे इन आंखों का संबंध है, लेकिन आपको आकाश में देखना है। फिर कहूंगा कितना भर खिड़की पे खड़े होके खिड़की को ना देखना, खिड़की के पार देखना। खिड़की के पार आपकी दृष्टि चली गई तो उस आकाश में भी आपकी दृष्टि चली गई। बस इतनी बात है। आकाश में आप स्वयं हैं, सूक्ष्म शरीर में ये स्थूल शरीर है। इस शरीर के प्रति श्रद्धा और भाव से भरे, प्यारा लगे आपको, शिकायत ना रहे कि आप अगर प्रेम देंगे तो वहां से भी प्रेम ही आएगा, आप विश्वास देंगे, अपनापन देंगे, वहां से भी अपनापन ही आएगा। तो आप स्वयं को देखें, सूक्ष्म शरीर में आप कितने सुंदर लगते हैं, आपकी ही दृष्टि, इस बुद्धि की दृष्टि देख पाएगी। अगर भाव होगा तो बहुत ही सुंदर आपको नजारा मिलेगा, एक प्रकाश आपको सूक्ष्म शरीर से निकलता हुआ नजर आएगा। उसी भांति गुरु का आह्वान कर लें। गुरु क्या है? गुरु एक मार्गदर्शक है, गुरु एक पुण्य आत्मा है, गुरु एक दिव्य आत्मा है, जिसके मार्गदर्शन में मैं भव से पार होना चाहता हूं। उस मालिक से, जो सच्चा मालिक है, जो सबका मालिक है, उसमें मिलना चाहता हूं। कैसे मिलेंगे आप? जैसे एक बूंद सागर में गिरती है, वो कर्म मालिक का, वो कर्म आपका, कि आप कैसा कर्म करते हैं, बिगड़े हुए को कैसे ठीक करते हैं, वो भाग्य आपका कि आप तपती रेत पे गिर के स्वाह होते हैं, या किसी सीप में गिर के मोती बनते हैं, वो भाग्य आपका फूल की भांति कि वो कहां सजे, उस पत्थर की भांति कि वो ठोकरों में रहे या भगवान के चरणों में रहे, भगवान बन के पूजे। वो साधना आपकी, वो साधना आपकी अगर आपने निरंतर की, साधा समर्पित किया स्वयं को, तो आप कुछ बन पाएंगे। लेकिन हटते रहेंगे, डरते रहेंगे, भयभीत होते रहेंगे, पीछे हटते रहेंगे, तो आपका कोई कुछ बना नहीं पाएगा। अब सारा जन्म बीत जाएगा और ऐसे ही आप हटते रहेंगे। उस समय, जिस समय दूसरी दुनिया में, उस लोक में यहां से जाने का समय होगा, उस समय आप देखेंगे मैंने इस जीवन में क्या किया। एक पल में आकलन कर लेंगे, अच्छा किया, बुरा किया। भक्ति गुरु की, माँ बाप की, स्वयं को जाना, बुद्धियों को अधीन किया। फिर कहेंगे आप कि मेरी बुद्धि, मेरा मन बड़े सुंदर है, ये मेरे सुंदर दो बैल हैं, अच्छे हैं चलाने वाला, मैं उनके अधीन मर्जी से चला। लेकिन इनको साधने के बाद ही आप समुद्र में पतवार छोड़ सकते हैं।
पतवार छोड़ सकते हैं, फिर प्रकृति और परमात्मा के हवाले आप कर सकते हैं। सुंदर पाल लहराए, जिस दिशा में हवा उन पाल को घुमाए उसी दिशा में आप घूमते रहेंगे, फिर उसी वायु के अनुसार ही आप भ्रमण करते रहेंगे। फिर आपको जोर लगाने की आवश्यकता नहीं, आपको सहज और शांत होने की आवश्यकता है। आप समर्पण कर सकते हैं, तेरी मर्जी परम, तेरी मर्जी, मुझे यहां घुमा या वहां घुमा, लेकिन अब मैं तेरा हो लिया, अब मैं तेरा हो चुका। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भाव से भरे, आप अपने गुरु के दर्शन कर सकते हैं। जो आदमी जागरूक है, जो भी प्राणी जागरूक है, जिनकी आंखें खुली है, भीतर प्रवेश कर सकती है, भीतर देख सकती है, वो अपने गुरु का आह्वान करें, अपने दोनों हाथ जोड़ ले और 3 बार अपने गुरु का वंदन करेंगे। गुरु के चरणों में हाजिरी, गुरु को सामर्थ, गुरु से साक्षात्कार करेंगे और अपने गुरु को सामने देख पाएंगे। होगा, होता है, चित्रकारी स्वभाव है, आप कर सकते हैं, रंग भी भर सकते हैं, सामर्थ्य भी कर सकते हैं। जो हम बाहर दुनियादारी में चित्रकारी बनाते वो नहीं बोलती, लेकिन भीतर जो आपने आकार बनाया गुरु का, उसको साकार भी आप स्वयं कर सकते हैं और वार्तालाप भी आप कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो आप अपने गुरु को, आपकी यात्रा नीचे से ऊपर की तरफ है, आपकी ज्योति नीचे से लो उसकी ऊपर की तरफ बढ़ती है। बाकी दुनियादारी में सब कुछ ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन अग्नि एक ज्योति, एक प्रकाश, एक ऊर्जा जिसको हम कह सकते हैं, एक ब्रह्म, एक जीव नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, भ्रमण करता रहता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जहां आपका तीसरा नेत्र है वहां तक आपका सफर है, पहुंचना है। अपने गुरु का वंदन करेंगे, मेरे संग संग बोलेंगे, और जो आदमी जो जानना चाहता है, जो सेवक शुद्ध आत्मा इन आंखों से भी देख सकते हैं, अपने गुरु का आह्वान, नमो गुरुदेवाय नमः, नमो गुरुदेवाय नमः, नमो गुरुदेवाय नमः। 3 बार आप आवरण देख सकते हैं, आप अपना सब कुछ ओम में समाया है, एक सब ब्रह्मांड का, सारे विश्व का आवरण है, एक ओरा है, एक शक्ति है, आपकी रक्षा एक सुरक्षा है, जिसने जाना हर आत्मा के चारों तरफ, हर ब्रह्म हर प्रकाश के चारों तरफ आपने देखा होगा, एक नहीं अनेकों परतें हैं, अनेकों रंग की लेयर हैं एक ज्योति के ऊपर, सब कुछ ओम में समाया है। तो 3 बार ओम का आवरण करने आपको अनुभव होगा, आपके चारों तरफ कैसी ओरा घूमती है। आपको जन्म दिया है एक जननी में, एक धरणी में, एक शक्ति आपके भीतर हर पल हर कण कण में विराजमान है। आप आकाश में देख सकते हैं अष्टभुजा को, मां बड़ा मुकुटधारी, बड़ी खुश, जो आपकी जननी भी है, जो शक्ति भी है। आप आह्वान कर सकते हैं, आप उनसे आमना सामना कर सकते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं उस मां का, और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, जितना आपके भीतर भाव हो उसको खाली करने की चेष्टा करें। सब कुछ
माँ के चरणों में समर्पण करें, आपके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। बड़े शांत हो जाएं, बड़े सहज हो जाएं। आप शुद्ध हैं, आप पूर्ण हैं, लेकिन जब आप मान लेंगे, बुद्धि मान ले तो अभिमान, मन मान ले तो भी अभिमान, लेकिन आपकी एक आत्मा की कोई करे बड़ाई, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा तो स्वयं में पूर्ण है। रही इस देह की बात, पांच तत्वों के प्रति अभाव से भरें, श्रद्धा से भरें। पांच तत्वों का शरीर है, एक समय के लिए आपको दिया हुआ है, जैसे भगवान विराजमान है, जब तक उस उनकी मर्जी है उस मंदिर में बैठ सकते हैं, भगवान निकल गए तो मंदिर ढेर है। ये शरीर उसी प्रकार है, पांच तत्व अब अपने साध लें, जो कहते हैं मुझे पीड़ा रहती है, दर्द रहता है, यहाँ देख लें। अगर आपका भाव, आपका विश्वास अगर पूर्ण है, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम इस शरीर के प्रति है, पांच तत्वों के प्रति है, तो वो पीड़ा आपकी निकल ही जाएगी। तो आप अपनी गर्दन को घुमा लें अपने चारों तरफ, सहज भाव से, बिल्कुल आज तक आपने शरीर और स्वयं को अलग नहीं माना, लेकिन अब आप इस शरीर को देख सकते हैं बाहर से, और आप नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आपने बुद्धि को नियंत्रित किया है, आपने मन को नियंत्रित किया है, उसी भांति इस पांच तत्व को भी नियंत्रित करें। आप देखिए कि गर्दन से ऊपर का हिस्सा आपका शून्यता में चला जाएगा, और जब तक ना जाए आप क्रिया करते रहें, लेकिन जबरदस्ती शरीर के साथ ना करें, किसी के साथ भी जबरदस्ती ना करें, सहज विश्वास करें, सहज शांत रहें, रोज अभ्यास करें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपकी अपनी खोज के लिए, खोज आपको स्वयं की करनी है, स्वयं की खोज आपकी हो गई तो परम स्वयं मिल ही जाएंगे, परम स्वयं मिल ही जाएंगे। जिसने फल खाया, पेड़ भी देखा, लेकिन जड़ खोजने में बहुत देर नहीं लगेगी। जिसने फल खाया, पेड़ खोजा, पेड़ खोजने के बाद जड़ भी मिलने में कितनी देर लगेगी, आप देखें। आप दूसरी तरफ घुमा लें, अगर आपके गर्दन से ऊपर का हिस्सा पारदर्शी है, प्रकाश भी आर पार दिखता है, जो आपने पहले माना हुआ था कि इधर कान लगे हैं, इधर नाक लगे हैं, वो सब अलट पलट हो गए, आपने मंथन कर दिया। सोच और समझ, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से आप मान रखें, सम्मान रखें, जो भी आपके सामने हैं, जो सच्चे हैं, जो सत्य हैं, जो आपके जन्म जीवन में सम्मिलित हैं, चाहे आपके यारे प्यारे हो, श्रद्धा भाव रखें, प्रेम रखें, लेकिन स्वार्थ ना रखें, इस बात का ध्यान रखें। आप सहज हो जाएं, आप शांत हो जाएं, आप अपने शरीर को घुमा लें अपने चारों तरफ, बिल्कुल तन्मयता से, बंधन जैसे लगेगा कि खोल दिए बंधन, खुल गए बंधन। अपनी मर्जी से पशु घूमता फिरता है मजे में, मस्ती में, घोड़ा लोट पोट होता है, ऊपर नीचे घूमता है, उसी भांति कोई भी जीव प्राणी उछल कूद करता, उसी भांति आप ये शरीर आपका बड़ा तंदुरुस्त, शरीर में पांच तत्वों में प्रथम धरती मां, जिसमें से सब कुछ सृजन होता है, जन्म देता है, वही साक्षी भी है, वही लेती भी है, देती भी है। आपको कुछ माटी इस धरती से मिली है, जिससे शरीर बना है, इसीलिए शरीर बना है तो आप इस शरीर के भीतर विराजमान हो सकते हैं। तो इस धरती मां के प्रति श्रद्धा और भाव से भरे,
हे जननी, हे शक्ति, हे धरणी माँ, जिस जननी ने आपको जन्म दिया है वो भी इस शरीर इस धरती का ही अंश थी, आप इसी धरा का अंश हैं। तो माँ के प्रति, धरती के प्रति, धरा के प्रति आप शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, आपके भीतर श्रद्धा भाव इतना जाग जाए कि माँ तू ना होती तो मैं भी ना होता, तेरी भूमिका तेरी अहमियत बड़ी है। अगर आपको लगता है कि आपका कमर से ऊपर का शरीर रोग से मुक्त है, दर्द से वहीन है और प्रकाश आर पार जा सकता है, आपको लगता था कि मेरा दिल धड़कता था वो नहीं धड़कता, आपकी श्वास चलती है नीचे से ऊपर, आप सहज हो जाएं, आप शांत हो जाएं, आप दूसरी तरफ घुमा लें अपने इसी कमर को, लेकिन जाने दो शरीर को, जहां जाए जाने दें, आपका बंधन से छूट जाए, आप दूर हो जाए, न गिरेगा न भटकेगा। कभी भी आपने देखा होगा दो आदमी द्वंद करते हैं, लड़ते और झगड़ते हैं, पहले की दुनिया अलग थी, आज का ध्येय अलग है, चार आदमी दो आदमी को इधर से पकड़े हैं, चार आदमी इधर से पकड़े हैं तो पकड़े जाते हैं और वो पूरा जोर लगाते हैं, चार चार आदमियों के काबू में नहीं आते, लेकिन आप देखें उसको छोड़ के, दोनों चार चार आदमी जो पकड़े छोड़ दें उनको, आप देखेंगे कुछ ना कर पाएंगे, जब चार आदमी पकड़े हुए बड़ा जोर लगाए हुए हैं, चार आदमी का भी जोर कम है, उनका अकेले का जोर अधिक है, लेकिन आप छोड़ दें उसको अपने हाल पे, फिर देखिए क्या वो लड़ते हैं, क्या वो दूसरे को मार सकते हैं, नहीं मार सकते, वो पास में आके समस्याओं का हल खोजते हैं। लेकिन लोग समझदारी दूसरे प्रकार की है, आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए, आपको लगे कि दर्द जो आपने शुद्ध कर लिया, भाव से भर लिया, वहां पे दर्द और पीड़ा नहीं, कमर को सीधा रखें, गर्दन को थोड़ा ऊपर उठा के रखें, अपना तीसरा नेत्र खोल के रखें, भीतर की आंखें खोल के रखें, भीतर की दुनिया में आपको प्रवेश करना है, वह बड़ा प्रकाश है, बड़ा सूर्य है, आपके गुरु विराजमान है, उन गुरु का आपको बड़ा अवलोकन करना है, बड़ा आनंद से भर जाना है, उनके दर्शन करके उनसे रूबरू होके अपनी सारी चीजें सारी बातें समर्पित कर देनी है, मैं आपकी शरण में हो लिया, मैं आपका हो लिया, अब आप बनाए मुझे, किस काम का बनाएंगे, मर्जी आपकी। अपनी कमर को घुमा लें अपने चारों तरफ। दूसरा तत्व है अग्नि, इस शरीर यह अग्नि से बना है, अग्नि इसके भीतर है, जो ऊर्जा है जो नाभि में रहती है, नाभि से चारों तरफ फैलती है, तो अग्निदेव, अग्नि के बिना आपका कुछ नहीं, लेकिन अग्नि से, अग्नि आपको दिखती नहीं भीतर की, लेकिन अनुभव हो सकती है, जैसे परम अनुभव होगा, जैसे वायु अनुभव होगी, ऐसे ही अग्नि भी आपको अनुभव होगी, बाहर की अग्नि दिखेगी लेकिन वो कुछ देर के लिए रहेगी, उस सदा के लिए नहीं, वो अग्नि बुझ सकती है, लेकिन ये अग्नि जब तक आप इस तन के भीतर हैं हमेशा सृजन करती रहेगी, इसका अनुभव आप कर सकते हैं आपकी नाभि में। और तीसरा तत्व है वायु, आप अपनी कमर को दूसरी तरफ घुमा लें, वायु के बिना आपके प्राण नहीं है, क्योंकि प्राण वायु पे ही सवारी करते हैं, आपके श्वास जो चलते हैं उन पे जो वायु चलती है, आपके श्वास के माध्यम से भीतर और बाहर, और बाहर भी बहुत वायु है, तो वायु भी एक प्रकार से देव है, जिन जो इस जिनके बिना इस शरीर पूर्ण नहीं है, तो वायु देव का भी आकार बनाए, साकार करें, और आप उनको नमन करें और प्रणाम करें, और आप समझें माटी के पुतले बनाए थे, माटी की फौज भी बनाई थी और उसमें प्राण भी भरे थे, आप सबको ज्ञात भी होगा किसने भरे थे, गुरु गोरखनाथ ने। ऐसा अगर गाथाओं में ग्रंथों में है तो ऐसा आप कर सकते हैं, आप सहज हो जाएं, आप शांत हो जाएं। तीन तत्व आपने जान लिए। चौथा जल है, चौथा तत्व है जल। आप अपना बायां पैर सीधा कर लें, बायां पैर सीधा कर लें, आपके कमर से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल शुद्ध तृप्त हुआ, दर्द से वहीन हुआ, अगर किसी को दर्द है तो वो अपने पूरी तन्मयता में नहीं है,
जो पूरी तन्मयता में है उसके भीतर का दर्द मर चला ही जाएगा, होने का आभास खत्म हो ही जाएगा, स्वयं की जिज्ञासा जगेगी, मैं कहाँ हूं, इस शरीर के भीतर या बाहर, आपको पता लगेगा मैं इस शरीर से अलग हूं। अब अपना दायां पैर अपनी जांघ में रखें, ये क्रिया है, इस क्रिया को आप करें, दोनों हाथ सीधे करें और अपना ये पांव जी पांव से ऊपर तक, उससे पहले आप जल तत्व को प्रणाम करें, आकार दें, उसको साकार करें, जल देवता, आपके बिना भी ये शरीर पूरा नहीं, मेरा कर्म पूरा नहीं, मेरा धर्म पूरा नहीं, आप भी प्रकृति का हिस्सा है। गर्दन थोड़ा सीधा रखें, शरीर को तान के रखें, तान के रखें, तानने का मतलब है कि आप अब उसका कुछ बनाने वाले, जैसे कि लोहार लोहा हाथ में रखता है, इस समय ये शरीर आपके हाथ में है, आप इसको तैयार करते हैं, आप ब्रह्म हैं, आप पूर्ण हैं। अगर आप इस जिज्ञासा, आप ये आपकी जो भी आपके मन की इच्छा है, इस शरीर का रोग दोष आपको भगाना है, अब आप साक्षी हैं, आप इसके वैद्य हैं, आप इसके डॉक्टर हैं, आप इस शरीर के मालिक हैं, अब इस शरीर को आपने निर्मित करना है कि कैसे इसको संचालित करना है। भीतर भी जल है और बाहर भी जल है, आपके भीतर एक नहीं अनेकों समुद्र है, सुंदर ताल सरोवर है और अमृत के भी सरोवर है, आपके भीतर अथा अमृत है, वो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी भी आपके भीतर उस सरोवर में है, उस सागर में है जहां शेष की सैया है, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी शेष की सैया पे विराजमान है, वो भी आपके भीतर ही है, बाहर नहीं है। ये बड़ा विशाल है, आपको इसको समझने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन समझ लेंगे फिर आप इसको जान लेंगे। सत्य को जानने वाला बहुत कुछ बदलता नहीं, लेकिन एक प्रकार से स्वयं को सक्षम मानता, हाँ ये भी सत्य है, ये तो इस बात से मैं अनुभव था। तो जलदेव को नमन करें, बहुत सहज, पांव अगर पीड़ा है तो आप ये क्रिया करें, जीव नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से जीव आप देखें एक पाइप में जैसे जल ऊपर और नीचे आप आता और जाता देखते हैं, उसी भांति जीव को भी आप अनुभव करें। बहुत सारी चीजें जो दिखती हैं लेकिन एहसास से, अनुभव से, अनुभव होती है, एहसास होता है उनका, हाँ अब नीचे अब ऊपर, शीतलता या ताप आपको लगेगा, हाँ ये गर्मी है, हाँ ये शीतल है, ये ठंडी हवा है, ये गर्म हवा है, वो अनुभव करते हैं आप, दिखता नहीं आपको, यहाँ भी परम को अनुभव करना है, ऊर्जा नीचे से ऊपर जानी कमर से, और आपके नौ इंद्रियां हैं जिनमें दो जनेंद्रियां हैं जो नीचे की तरफ है, सात ऊपर है, इन दो जनेंद्रियों के बीच का जो स्थान है वहां से ये नाड़ी शुरू होती है, उस स्थान को कहा गया है मूलाधार। यहां महादेव जी विराजमान है, भगवान गणपति विराजमान है, आदि और अनंत उनको इसीलिए कहा गया है कि महादेव आदि और अनंत। अब मैं अनेक रूप देखे होंगे, आप एक बना सकते हैं स्वरूप उनका, अगर अर्ध नारेश्वर आपके शरीर आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, ध्यान में धरेंगे, महादेव जी का आधा शरीर महादेवी का है, आधा महादेव का आपका, ये शरीर आपके आधे भाग में आपकी जो देवी है संगनी है वो है, आधे में आपका स्वयं का स्वरूप है। तो ये ऊर्जा यहां से नाड़ी निकलती है, रीढ़ की हड्डी के नीचे नाड़ी सुषुम्ना है, आप सब जानते हैं, सुषुम्ना के बाएं तरफ नाड़ी एड़ा चलती है जो आपके बाएं नाक से बाहर निकलती है, लेकिन आपको उसके संग संग चलना है, संग संग बहना है, जैसे आप नदी के संग संग बहते हैं वैसे ही समय के संग संग आपको बहना है, वैसे ही स्वयं के संग संग आपको चलना है। अगर ये आदतें आपकी हो जाएंगे तो आप बड़े सुंदर जन्म में प्रवेश कर जाएंगे। इनाड़ी नीचे से ऊपर, जहां तीसरा नेत्र वहां तक पहुंचेगी, वहां से मुड़ के ये बाएं नाक से आपका, देखिए आप सहमत हैं, आप कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे, आप एक सुंदर कारीगर हैं, एक सुंदर पिता हैं, सुंदर मालिक हैं, और मालिक अपना नुकसान कभी नहीं करता, अगर वो सच्चा है तो आप सहज हो जाएं और शांत हो जाएं। पांचवा तत्व है आपका आकाश, जिसको आपको खोजना है, दायां पैर सीधा कर लें, जिसको
देखना चाहता है वो देख सकते हैं, लेकिन अपने शरीर में आपको अनुभव अगर भिन्नता है तो फिर आप आनंदित हो जाएंगे। अगर शरीर को आप आनंदित, शरीर को आपने आनंदित कर दिया तो आप स्वयं भी आनंदित रहेंगे, क्योंकि आप कर्ता तो नहीं कहूंगा लेकिन संभालने वाले, जिम्मेदार, समझदार, कारीगर बनाने वाले। कर्ता तो एक परम है, लेकिन एक दूसरा दूसरे को बनाने में मदद करता है। मां बाप की कृपा से हम बने हैं, गुरु की कृपा से हम बने हैं, और हमने तो मानना है गुरु को, लेकिन गुरु ने तो बनाया है हमें, गुरु ने तो बनाया हमें। दांत पैर सीधा, वही क्रिया नाड़ी नीचे से ऊपर, एक नाड़ी आपने ऊपर कर ली, पहले श्वास नाक के पास आप बैठेंगे, अनुभव करेंगे बड़ा सुंदर, यहां रीढ़ की हड्डी के नीचे सुषुम्ना है, आपको ध्यान रहे, उसके दाएं भाग में नाड़ी पिंगला है, ये दाएं नाक से बहती है, एक समय में एक ही नाड़ी बहती है, आपकी मर्जी है, आप कहें नहीं ये नाड़ी से नहीं, इस नाड़ी से बहना है, प्राण इस नाड़ी से बहे तो अच्छा है, प्राण श्वास के सवारी करते हैं ऊपर नीचे, आपका अनुभव आपकी मर्जी है। आज तक तो आपकी बुद्धि करती आई है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, किसी को थप्पड़ दिखाना है, किसी के सामने हाथ जोड़ने हैं, आपकी बुद्धि करती आई फैसला, लेकिन अब आपके हाथ में फैसला है, बुद्धि आपको समर्पण कर चुकी है, मन आपकी मर्जी से चल चुका है, अब आप पूर्ण हैं, अब आप अपने शरीर को साध सकते हैं, और शरीर की साधना है, और शरीर से आप पूछिए, मालिक पूछिए, बता क्या क्या दिक्कत है, बता क्या समस्या, मैं हूं ना, एक पिता भी यही करता है, गुरु भी यही करता है, परम भी यही करता है, और आपने अपनी आपने स्वयं को जान लिया है, आप इस शरीर से पूछो बता कहां दर्द है, बता तेरे को क्या क्या चाहिए, और आप सक्षम है उस दर्द को हटाने में, उसको दर्द को मिटाने में, इस ख्याल करने में, आपका ख्याल है, आपकी इच्छा, आपकी रुचि है अपनों में प्रेम बढ़ाना, अपनों को अपनाना, आपका स्वभाव है अपनों को अपनाना, आपका स्वभाव है। तो नारी फिर वही नीचे से ऊर्जा कमर तक, आपके पांव में शून्यता बड़ी हुई, आपके शरीर में आपने शून्यता पहले से बढ़ा दी गई है, उसको आपने पहले से बेकारी को स्वाह कर दिया, यहां आपकी इच्छा होगी तो दर्द और मर्ज को भी स्वाह कर सकते हैं, हाँ मैं हूं ना, चिंता ना कर। तो यहां कमर से रीढ़ की हड्डी के नीचे सुषुम्ना नाड़ी है, उसके दाएं तरफ पिंगला नाड़ी है, ये नाड़ी मूलाधार से शुरू होती, मूलाधार आपका कहां है, मूलाधार आपका जो जन्मेंद्रियों के बीच जो स्थान, वहां से मूलाधार शुरू होता है, भगवान महादेव के आप दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, मात्र अनुभव से आपके भीतर में ऊंचे पहाड़ों के महादेव जी हैं, इस शरीर आपको छोटा लगता है लेकिन इसमें अनेकों ब्रह्मांड है, आप ब्रह्मांड में हैं लेकिन बाहर एक चित्रकारी है लेकिन ड्यूटी देने का रंग मंच की दुनिया है, रंग मंच में आपने प्रवेश किया हुआ है, लेकिन आपकी स्वयं की दुनिया भीतर है, अनेक ब्रह्मांड बड़े सुंदर, यहां सुंदरता इतनी नजर नहीं आती, यहां सब ढेर एक प्रकार है, यहां अच्छाई सच्चाई बुराई सब एक ढेर में सम्मिलित है, लेकिन भीतर बुराई के ढेर नहीं है। ये नाड़ी पिंगला नीचे से ऊपर जाते हुए यहां अनेकों ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों का भी आपको दर्शन कराएंगे। नाड़ी जहां तीसरा नेत्र है वहां पे पहुंचती है और दाएं नाक से बाहर आती है, आप सहज हो जाएं, शांत हो जाएं, दोनों पांव सीधे कर लें, बिल्कुल तान के रखें शरीर को, क्योंकि अब गाड़ी आपके हाथ में है, बैल आपके हाथ में है, शरीर भी आपके हाथ में है, आप इस शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, जिसका अनुभव है, जिसका आनंद है, वो अपने अनुभव और आनंद में बढ़ोतरी कर सकता है, दोनों हाथ सीधे कर लें, ये क्रिया आप देख के कर सकते हैं, अपने पांव को पीछे खींच सकते हैं, रखने के लिए जरूरी नहीं इसको सहज आराम।
चाहे आराम दिया जाए, लेकिन इसको साधने के लिए, इसको साधने के लिए आपको कर्म तो करना होगा। पांचवा तत्व आकाश, जिसकी खोज आपको करनी है, जो आपका स्थान है, जो ब्रह्म का स्थान है, जहां पे सब कुछ आपको मिलेगा, जहां पे सब कुछ सुंदर है, जहां स्वर्ग से भी अच्छा है, जहां शिव है, जहां सत्य है, जहां सब कुछ सुंदर है, वो आपकी खोज रहेगी। पांच तत्व और महाज्ञान, पांच तत्व के प्रति श्रद्धा भाव से भरे। यहां दोनों पांव से जीव ऊपर जा चुका है, दोनों पांव शून्यता में प्रवेश कर चुके हैं। आपके पांव में अगर किसी की पीड़ा है तो दूर होनी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं डॉक्टर दर्द और मालिक हैं, आप इस बगिया के मालिक हैं। इसके भीतर जो जो है आप स्वयं उसके मालिक हैं। आज तक तो आपको पता नहीं था, लेकिन एक पता लगा लें, समझ लें किस प्रकार में मालिक हूं, क्योंकि आपका भी एक ऊपर मालिक है। आपकी सवाल जवाब और पूछताछ होगी, आपके ऊपर भी 24 घंटे एक पल के लिए भी दृष्टि नहीं हटती। आप ध्यान रखें उस मालिक की, उस गुरु की। यहां मूलाधार जो जनेंद्रियों के बीच में जो स्थान है, वहां से ये नाड़ी बीच में जल तत्व से बढ़ती हुई इस नाड़ी में, इसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और नाड़ी दशमा द्वार को खोल के आपके ब्रह्मांड में प्रवेश करती है, आपके आकाश में प्रवेश करती है, जो पांच तत्वों में शामिल है, जो पांच तत्वों में शामिल है। मूलाधार वहां से शुरू होता है, वहां से आपको जैसे वहां पहुंचते हैं आपका ध्यान पहुंचता है, आप नहीं पहुंचते, आप तो आकाश में विराजमान है, अपने आकाश में ब्रह्मांड में विराजमान है, आप ब्रह्म है। आप स्वयं वहां देखें, स्वयं को बैठा हुआ सुंदर वेशभूषा में, एक मुस्कुराता हुआ शरीर। हाँ, जो कुछ होता है आज मुझे अपने होने का एहसास है, और अपने होने का ही एहसास होना चाहिए, स्वयं को जन्म दे देना चाहिए, स्वयं का आकार बना देना चाहिए। इस पांच तत्व में शरीर, स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, और आकाश में आप वो हो, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति से काम होता है। मूलाधार नाभि से 4 अंगल नीचे स्वाधिष्ठान जो जल तत्व है, और नाभि में अग्नि है। आप संग संग चलते रहिए, जैसे पंपिंग होती है नीचे से ऊपर की तरह आपको अनुभव होगा। रीढ़ की हड्डी के नीचे नाभि से आप ऊपर बढ़िए, हृदय के पास एक अनाहद ब्रह्मांड है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जब आप समाधि में जाएंगे तब आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। गले में विशुद्ध 3 देवियां, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली विराजमान है। जहां आज्ञा है, जहां तीसरा नेत्र, जहां ब्रह्म रंध्र है, वहां पे गुरु विराजमान है, वहां आप स्वयं भी विराजमान है। यही स्थान आपका है, यहां बैठ के आप नियंत्रित कर सकते हैं आप। और जहां सर का नरम भाग है, आपके सर के ऊपर वो सहस्त्रार है, वहां पे हजारों पंखुड़ियों का कमल खिला हुआ है, वहां पे आपको दर्शन होंगे महादेव के। महाज्ञान आत्मज्ञान पूर्ण ज्ञान, आप सहज हो जाए, शांत हो जाए। जिसकी जिसका अभ्यास सुंदर है, वो निरंतर है, उसका शरीर नहीं कहेगा कि बस मुझसे और नहीं होगा। जिसके संग आप हैं, जिसके संग पिता है, वो बच्चा कभी थकेगा नहीं, कभी हारेगा नहीं। जो पिता को चाहने वाला है वो पिता के साथ के बिना नहीं रह पाता। जो पिता को समझता है, आप भी अपने गुरु के बिना नहीं रह पाएंगे। हर पल गुरु के चरणों में प्रीति आपकी लगी रहेगी, लगी रहनी भी चाहिए। यही आपका धर्म भी है, यही आपका मार्ग भी है। बुराइयों से मुक्त होना, बंधनों से मुक्त होना, ये बड़ी सुंदर बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। आप एकांत में अकेले सुबह और शाम अपना ध्येय और धर्म यहां आप करते हैं, आपकी बुद्धि भी आपको कहेगी कि जो हम करते हैं वो अच्छा नहीं, आपकी बुद्धि भी कहेगी जो हम करते हैं वो अच्छा नहीं, इससे होगा क्या, कुछ भी नहीं, क्या और भी कोई करता है दुनियादारी में, सब जो करते हैं हम भी वही
करने की चेष्टा करते हैं, शायद इसी में गति है, शायद यही उद्देश्य है, लेकिन वो उद्देश्य नहीं, भेड़ चाल है। लोग शराब पीते हैं, आप भी पीने की चेष्टा करते हैं, लेकिन बुद्धि कहीं कहीं मना करती है, आपका मन कहीं कहीं मना करता है, आपके नियम बनाए हुए कानून मना करते हैं, ये होगा करेंगे तो ये तोड़ेंगे, लेकिन जो भी कानून है जो सही है निभाए, बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मालिक संघ है, भय नहीं, आप स्वयं हैं कर्ता धर्ता इस शरीर के, भय नहीं, जो भी होगा एक भी बात गलत नहीं होगी, एक भी आदत गलत नहीं होगी, जो दुनियादारी में अगर कोई आदत गलत भी है आप उसे त्याग दें, छोड़ दें, एक बार उसको तरोताजा कर लें, हर आदत को रिसाइकल करके देख सकते हैं। आप अपने दाएं हाथ की हथेली तान लें, आपकी कमर सीधी रहे, आप तरोताजा रहे, आपके कंधे चौड़े रहे, आपके भीतर आप देख सकते हैं, अगर शरीर से बाहर निकलेंगे जो तीनों नाड़ियां आपने जगाई हैं उनका अनुभव आप कर सकते हैं, दूर से, बहुत दूर से, जैसे गंगा मैया आकाश से आप गंगा मैया को देखते हैं वो बहती हुई, ऐसी ये नाड़ी आपको लगेगी, लेकिन जितने समीप आप चले जाएंगे तो मैया गंगा ऐसी लगेगी, बड़ी सुंदर धार, तृप्त करने वाली जल की धार। हो सकता है ध्यान से करें, जिसमें जल्दबाजी की ज्वालामुखी आपने फटते नहीं देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन भीतर आने को ज्वालामुखी भी है, फटता है आपको झटका लगेगा एकदम, लेकिन गुरु की शरण में रहें, ये ध्यान रखें, गुरु की शरण में जब आप कोई भी कर्म करते हैं बड़े ध्यान से करना होता है, अब ये साधना आपकी है, इस साधना को आप बड़े ध्यान बड़े सहज भाव से रखें, इसमें आपको शांत रहना जरूरी है, तब किस पल कोई ज्वालामुखी फट जाए इस बात का पता नहीं लगता। आप अपने सिर के नरम भाग को 7 बार खोल लें, जैसे लोटे के मुंह पे घुमाते हैं, आपके सिर के ऊपर नरम भाग है जिसको दसवां द्वार कहते हैं, और आप 7 बार घुमाएं बड़े सहजता से, दबा के नहीं, अगर किसी को अनुभव ना होता हो तो मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, वो अपनी आंखें भीतर की खोले रखे, बाहर की बंद रखे, सर को ऊपर उठाए और सर के स्पर्श से थोड़ा सा अपने ही हाथ को ऊपर रखे, आपके सिर के नरम भाग से आपको लगेगा शीतलता या गर्म हवाएं बाहर आती हुई, अगर आपको अनुभव करना है तो कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें, स्पर्श ना करें, थोड़ा ऊपर उठा के रखें, आपके सिर के नरम भाग से शीतल या गर्म हवाएं निकलती आपको न हो, इसका मतलब आपका ये मार्ग खुल गया है, आपका बाकी का शरीर शुद्ध पवित्र हो गया है, शून्यता में चला गया है, आपको जिस मार्ग पे जाना है पहुंचना है करना है, अब आप जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, जिम्मेदार ने जिम्मेदारी आपको दी हुई है, आपकी ड्यूटी आपको मनोनीत किया हुआ है, इस शरीर का मालिक आपको बनाया हुआ है, तो आप देखें क्या इस शरीर के सही मालिक हैं, इस शरीर मेरे अनुसार चलेगा या बुद्धि के अनुसार चलेगा, अब बुद्धि से भिन्न है या मन से भिन्न है या आप सब एक हैं, आपका अनुभव, आप अपनी एक अंगूठा एक उंगली तीन उंगलियां आप सीधी रखें और आप देखें कि जैसे एक पाइप से कोई भी द्रव पदार्थ बहता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन यहां अगर आप देखें जो पॉइंट है एक अंगूठा एक उंगली आप इसको दबाएंगे तो आपके हाथों की ऊर्जा बिल्कुल आपके जहां जहां हड्डी है वहां नजर आएंगी, नजर नहीं आएंगे, एक पाइप नुमा नजर आएगा और वो ऊर्जा आपको बहती नजर आएगी, आप देखें आपके कानों में एक सुंदर घंटियों की आवाज धमनी सुनाई देगी, कोई एक अलग नाद आपको अनुभव होगा, यहां से आप उसी स्थान पे जाएंगे, आपको लगेगा कि जैसे हाँ दसवां द्वार जो आपने खोला, सिर का नरम भाग आपने खोला है, उस द्वार से कुछ न कुछ निकलता हुआ नजर आता है ऊर्जा शक्ति, और आपके हाथों में भी शून्यता अनुभव होगी,
आपके कंधों के माध्यम से, गर्दन के माध्यम से ऊपर चढ़ती हुई ये ऊर्जा आपके सिर के नरम भाग से निकलती हुई आपको बाहर आएगी, लगेगी जैसे मैया गंगा, मैया गंगा महादेव की जटाओं से बाहर निकलती है वैसे ही। आप शांत हो जाएं, आप सहज हो जाएं, अपना बायां हाथ भूमि पर रख लें लेकिन हथेली को तान के रखें, बाहर की आंखें बंद रहें, आपका अनुभव आपका ध्यान रहे, आपका ध्यान रहेगा, आप रहेंगे आकाश में, ध्यान रहेगा, ध्यान की आंखें हैं। अगर आपने जो जो गया है, कहां गए हैं मंदिर में, मान लीजिए आप यहां विराजमान हैं और आप स्वयं और आपका ध्यान पहुंचे जो जो मेहंदीपुर बालाजी गए हैं, मेहंदीपुर बालाजी के गेट पे आप पहुंच जाए, कितनी देर में आप पहुंच सकते हैं, आपका ध्यान जैसे मछली जल में चलती है, अगर आप जो जो गेट पे पहुंच चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी तो उसके द्वार पे लेट जाएं और जैसे मछली सरकती है वैसे आप सरक सरक के उनके चरणों में पहुंचे। इसमें बुद्धि आपकी रोक टोक कर सकती है, ऐसा भी कहीं होता है, आप बताएं, जवाब दें उसको। अब वहां उनके चरणों में पहुंचे और साक्षात हनुमान जी के दर्शन आप करें। यहां वो जो दिव्य दरबार है वो आपके भीतर है, आपके भीतर भी वो है, वहां भी वो है। इस शरीर से चल के आप वहां जाएंगे भिन्नता है, लेकिन आज अपने ब्रह्मांड में उस दिव्य दरबार को आप देख पाएंगे जो साक्षात भगवान मंदिर के भीतर विराजमान है, उनके दर्शन आप कर पाएंगे। भिन्न भिन्न की भांति आपका मन वो चीज समर्थ करा देगा। तेरी कृपा से सब कुछ है, तेरी दया अपरंपार है, तेरे भीतर से जो शक्ति मिलती है, तेरे भीतर से जो बल मिलता हुआ हमें मिलता है, जो तू देता हुआ हमें मिलता है, तेरे भीतर से जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो भक्ति बहती है वो हमें मिलती है, हमें वही चाहिए और हमें लेनी है, संग्रहित नहीं करनी, हमने अपनी दिनचर्या में अपने स्वभाव में शामिल करना है, हमें आपकी भांति संकल्पित होना है। बहुत सुंदर बात है, अगर आप दर्शन कर पाए बड़े आनंदित होंगे। आप अगर आंखें बाहर की बंद है भीतर की खुली है तो आपकी हाथ की हथेली में देखें क्या शीतलता है। बहुत सारे अनुभव है, किसी किसी को तो ऐसा लगेगा जैसे वहां पे फूल खिला हुआ पेड़ लगा हुआ है, बड़ी सुंदर हिलता हुआ पेड़ भी नजर आएगा आपकी हाथ की हथेली में, बड़ा अनुभव, बड़ा आनंद से भरा हुआ, बड़ा अचंभित करने वाला अनुभव आपका रहेगा। ऐसा भी होता है, आप मान लेंगे हाँ और भी कुछ होता होगा। उसी भांति जिस भांति किसी ने कहा कि भगवान ने सुई के नक्के से ऊंट निकाल दिया, नास्तिक कहता है ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन उस पर विश्वास करने वाला कहता है वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है और ऐसा हो सकता है। आपका विश्वास, अथा विश्वास, कोई आपका विश्वास रखे या तोड़े उससे आपको मतलब नहीं, लेकिन आपका ध्येय और धर्म है तो विश्वास करना, उसको आपका मालिक देखेगा लेकिन आप उसकी परवाह ना करें। आपको आपका मालिक संभालेगा, आप परवाह ना करें, और वो संभालता है आपका विश्वास अगर पूर्ण है। अगर आपका विश्वास पूर्ण है, यह भी आपका ही फैसला होगा, अगर आपका विश्वास अधूरा तो नहीं संभालेगा। ये किसी से पूछने की बात नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूं, आपके मानने के ऊपर बात है, मैं बड़ा सुंदर हूं क्योंकि मुझे बनाया जिसने वो बहुत सुंदर है, उसने आज तक कुछ भी गलत नहीं बनाया है। बड़ा भाव, बड़ा प्रेम अपने बनाने वाले पे, अपने माता पिता पे, अपने गुरु पे, अपने परम पे, उस धरा पे, पांच तत्वों पे बड़ा भाव, बड़ी श्रद्धा उड़ेलते हुए बहुत ही सुंदर वाणी से, भाव से आप देखें। आप अगर आपकी हाथ की हथेली में शीतलता है तो एक बार फिर महामाई का आह्वान कर लें, जगदम्बा अष्टभुजा शेर पे सवार है मां, धरणी भी है, जननी भी, शक्ति भी है,
इस मां धरती को आप उस जननी के रूप में भी देख सकते हैं, उस शक्ति को जननी के रूप में भी देख सकते हैं। तेरे कारण ही सब कुछ है। रूप तो अनेक है लेकिन वो ज्योति एक ही है, एक ही ज्योति से सब ज्योतियां हैं। उस वो परम ज्योति है, सब ज्योतियां उसी में से निकलती हैं। माँ एक ही है, उसी में से अनेकों रूप बने हुए हैं। उस माँ का आह्वान करें, हे जगत जननी माँ, हे जगदम्बा, हे बुराई को दूर करने वाली, हे अंधेरे को दूर करने वाली माँ, हे सही मार्ग देने वाली माँ, मैं आपके चरणों में अपना सर रखता हूं, मैं अपना सब कुछ समर्पण करता हूं। अगर आपके सामने आपके मन की चाहत इच्छा हुई तो आपका मन महामाई को सामर्थ्य करेगा, महामाई आपके सामने होगी। नहीं है तो आपके मन की बढ़ोतरी नहीं है। उस महामाई से कहें, महामाई मेरे शरीर में रोग दोष है, किसी की कमर में दर्द है थोड़ा, किसी के आधे कंधे में दर्द है थोड़ा, किसी के घुटनों में थोड़ी सी दिक्कत है थोड़ी, किसी के हृदय पे दबाव है थोड़ा, तो वो सब दूर कर दे, वो सब दूर कर दे। हे महामाई अपने भीतर संभाले सब रोग दोष, अपने पुत्र के मां ही संभाल सकती, मां में ही इतना सामर्थ्य है सबके दूर करती है। हे महामाई मेरे रोग दोष भी दूर कर दे, मुझे आशीष दे आत्म साक्षात्कार का, मुझ पर कृपा कर मैं अनुभव कर पाऊं स्वयं का। हे महामाई आपकी कृपा हो जाए तो मैं जीवन जीऊं सही। बहुत सुंदर भाव, महामाई का आशीष आपको मिलता हुआ, महामाई के हाथों से प्रकाश निकलता हुआ, उसमें आप स्नान करें और आपके हाथ या दिल में अगर शीतलता है तो आप उसे समेट लें। इधर पिता, परम पिता की भी आवश्यकता है, क्योंकि माँ पिता के बिना कुछ नहीं कर सकती और पिता माँ के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अर्ध नारेश्वर ने महादेव और महादेवी दोनों एक समाये हुए हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं। आपके हाथ की थैली यहां भी तनी रहेगी, आप ध्यान दें, जो देखना चाहे देख सकते हैं। आपकी दृष्टि बाहर की बंद रहे लेकिन भीतर की खुली रहे। जो जो आप सब ज्ञानवान हैं, आप मुझे सुनते हैं तो एक आपका प्रेम है, आपका भाव है, आपका श्रद्धा है, आपकी अच्छाई है। नहीं तो जो बातें आपने सुनी हैं, जो सुनते हैं, वो सब आपके भीतर हैं। आप उन बातों से सहमत भी होंगे, हाँ हम ये बातें जानते हैं और ये एहसास कर सकते हैं। ये तो आपका भाव है, ये तो आपका प्रेम है, ये तो आपका बड़प्पन भी है। तो हाथ की अकेली में शीतलता आप अनुभव करें और उधर आकाश में आप एक बटन दबते ही, एक बार आंख खुलते ही आपको नजर आए, आपकी इच्छा हुई कि मुझे जगदीश के दर्शन करने हैं। जगदीश कौन है? जो आत्म साक्षात्कार करा दे, गीता का ज्ञान आपकी मर्जी, आप आह्वान किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन स्वयं ने भगवान विष्णु विराट स्वरूप को मनोनीत किया है, उसी को पर ब्रह्म कहा है। रूप अनेक है, महादेव जी वही हैं जिनको महेश कहा गया, भगवान विष्णु भी वही हैं, ब्रह्मा भी वही हैं, बजरंग भी वही हैं, सब कुछ तो एक ही है। नाम अनेक रूप अनेक पर तू परम ज्योति एक। तो भगवान विष्णु गीता का ज्ञान आप कहें, आपकी सत्य आपकी धैर्य आपकी चाहत पूरी होती है, आपकी हाथ की हथेली में शीतलता आती है, लगता है जैसे शीतलता बहती हुई आपको नजर आएगी। आप कमर को सीधा रखें, कंधों को जोड़ा रखें। यहां आप इस शरीर को साधने वाले हैं, भगवान विष्णु को अगर आपने साध लिया, पहुंच गए आप वहां तक, आपके मन की गति, आपके मन की धारणा भगवान के चरणों में, आप कहें, हे पिता इस शरीर में अगर कोई रोग दोष विकार है तो उसको दूर कर दें। हे मार्गदर्शक
हे दयानिधि, हे दया के सागर, हे कृपा के सागर, आपकी कृपा के बिना मैं तुच्छ। अगर हो जाए आपकी कृपा तो मैं अपने कर्तव्य को निभा पाऊं, बीज बो पाऊं सुंदर आपके नाम के, बहुत सुंदर भाव में भरते हुए मुझे भी ज्ञान दे, आत्मा का साक्षात्कार करा, मुझे मेरा सही से कर्म समझा दे। मैं भटकता आया हूं लेकिन अब भटकना नहीं चाहता। बहुत सुंदर, अगर आपके हाथ में शीतलता आती है तो अपने दोनों हाथों को अपने सिर के नरम भाग के बराबर कर ले। हथेली को तान के रखें। अब आप देखें क्या हलचल है, आपके सिर के नरम भाग के ऊपर प्रकाश है, गंगा बहती है या कुछ और है, आप अनुभव करें। आपका मानना, आपका जानना वो अद्भुत रहेगा। आप सब के सब बड़े अनुभवी हैं, आप सब के सब जागे हुए हैं। अगर आपके सिर के नरम भाग के ऊपर एक बहुत बड़ी मणि का प्रकाश नजर आता है, आपके हाथ की हथेलियों में बहुत बड़ी बड़ी मणि एक प्रकाश नजर आता है जिससे पूरा पूरा आकाश प्रकाशमान होता हुआ, आपके हाथ की हथेली में और सिर के नरम भाग में एक अद्भुत शीतलता, आपको लगेगा जो भीतर आपके श्वास में जो वायु चलती है वो भी उसी रास्ते से बाहर आती है एकदम बहती हुई, बहुत सुंदर। और फिर जगदीश से आप प्रार्थना करें, हे जगदीश क्या यही आपकी कृपा है, हे पिता क्या यही आपकी दया है। बहुत सुंदर भाव भर के आप दोनों हाथ की हथेलियों को समेट ले। यहां से आपकी साधना आगे, अगर आपका शरीर शून्य है, बहुत कुछ आप जान चुके हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं, इससे आगे भी आप साधना कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा प्रयास है लेकिन आपके भीतर तो अनंत महासागर है, कुछ नहीं करना पड़ता, समर्पण करना होता है। एक गुरु ने कहा, मैं बच्चों को तैरना सिखाता हूं। किसी ने पूछा कैसे कैसे, कि मैं नदी में बच्चों को धक्का दे देता हूं, मरने का भय होता है और वो अपने आप हाथ पांव मारते हैं और अपने आप किनारे पे आ जाते हैं और तैरना सीख जाते हैं। बस इतनी बात है कि डूबे ना, मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। गुरु ऐसा ही करता है, गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पण करें, सौंप दें, गुरु के चरणों में स्वयं को समर्पण करें, गुरु से साक्षात्कार करें। स्वयं से साक्षात्कार किया तो गुरु से साक्षात्कार हुआ, गुरु से हुआ तो परम से हुआ, आपकी जन्मों की दौड़ कम होगी, आपके जन्मों की दौड़ होगी, जीवन को आप भारहीन मानेंगे और इस जन्म को जीने में आपको आनंद आएगा। सत्य की राह पे आप चलेंगे, सत्य रूपी प्रकाश ज्योति पुंज आपके संग रहेगा। आपकी किताब भीतर की बड़ी सुंदर है, जिनको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, स्वयं की इच्छा है, मेरी इच्छा है कि आप अपनी किताब को पढ़ना, देखें, खोलें उस किताब को, उस जो आपका जन्म है उसमें, उस किताब से बड़े अनुभव हैं उस किताब में। इस जन्म में रंग भर लें, आनंद भर लें, कोई भी शिकायत आपको ना रहे, आपका जन्म सफल हो, इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। आपकी आत्मा को, आत्मा के भीतर बैठे भगवान को आपके चरणों में वंदन करते हुए सबको प्रणाम।